अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद करता हूँ हमें होंगे। तो भाई जान आज देख सकते हैं फिर से बादल आ चुके हैं, उससे सनसेट हो रहा है। भाई जान शाम को व्लॉग शुरू किया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है यार, पेपर हो रहे हैं। तो पिछला व्लॉग भी पता नहीं मैं कहाँ पहुँच करता हूँ, बड़े पहले का बनाया हुआ है तो उसको भी अभी थोड़ी सी एडिटिंग अभी इसकी चल रही है। कह रहा हूँ मैं अभी थोड़ी सी एडिट वगैरह उसको, लेकिन वो भी बड़ी मुसीबत से। ये वाला आज है, आज क्या थर्सडे है, तो ये हो सकता है फ्राइडे सैटरडे संडे को भाई, इसका कोई पता नहीं। हाँ मंडे को लास्ट पेपर है, तो उसके बाद भाई जान छुट्टियाँ 15-16, तो भाई जान तब से व्लॉग आएंगे। तो अपने फिलहाल यहाँ का व्यू तो विराट रहेगा सारी जगह का, ठीक है। तो अपना आज मतलब कोई नहीं, अभी देखें मैं आपको टाइम भी देख, मिनट रुके 1 मिनट टाइम मैं दिखाता हूँ। ये देखें 5:10 हो गए, तो अभी बिल्कुल मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, पता है इतनी लेट करवा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, क्या पता ये 2 दिन का ब्लॉग होना तो 1 दिन का ही। तो अब मैं अपनी फैक्ट्री में जा कर ना उसके बाद आप मिलता हूँ। चलो जी गाइस अब आ गए भाई जान अपनी फैक्ट्री में। आप लोग देख सकते हैं इधर मतलब ठंड नहीं है, फिर भी ऐसे मैं करने की आदत नहीं गई। चलो जी अब आप लोगों के साथ से कर लेता हूँ भाई जान, मैं इधर दिखाऊँ प्याज में पहले। ये देखें ये है वो लहसुन, हाँ याद आ गया आज। तो ये देखें यार ये प्याज जो यहाँ इसकी कुछ टहनियाँ वगैरह टूट गई हैं, लेकिन फिर भी अभी सही है। और यहाँ जो निकाली तोड़ रही है ना, ये देखें ये सारा सूख गया फिलहाल, अभी जब ये दोबारा से है ना गर्मियों में फिर सूखेगा, तकरीबन शायद सर्दियों में ये आता है, हाँ पता नहीं मुझे नहीं पता है इसके सीजन का। और जो आप लोगों को मैंने उधर कद्दू की बेलें दिखाई थी ना जो थी, वो भी शायद ना सारी ख़त्म हो गई हुई हैं, मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ। ये देखें ये है ना ये सारी की सारी है ना यहाँ सूखी हुई है, पता नहीं किस वजह से सूखी है पता नहीं। यहाँ से तो आपके लोग पता ही है पूरे सारे उत्तर जगह हुए हैं, जैसे माल्टे वगैरह। और इस बड़ी भाई जानी सर आम आनी है, उसका भी बड़ा मजा आएगा। तो आम यार नज़र इसे पता तो लग रहा, लेकिन चिड़िया के पास पीछे आप आ रही होगी, हो सकता है शायद आ रही हो। तो अभी साथ छोटा किसान है वो ऊपर चले गया, और यहाँ के आप लोग देखें ना ये प्यारे प्यारे आ गए हैं फ्लावर्स। ये देखें ये हम जरा ऊपर भी चलते हैं, हाँ ऊपर भी चल के थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। चलो जी आप ऊपर आ गए। तो भाई जान मैंने आपको घर में जो व्यू दिखाया था ना, फिलहाल इधर का तो नहीं, पहले उधर का दिखाता हूँ। उधर देख फुल ब्लैक बादल आए हुए हैं उस साइड पे पूरे। तो अगर इस साइड पर हम देखें ना बड़ा प्यारा व्यू है भाई जान, ये देखें ऊपर से जो आपको बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है, ये भी जो सा है हमारी जगह पी है, हमारी उस तरफ जो सा है ना बाग, जिसे हम कहते हैं बाग क्यों कहते हैं उसका भी रीज़न है, एक मिनट रुके मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये बता दूँ कि ये जो सा है ना दरख्त, इतना बड़ा दरख्त, ये भी उधर ही लगा हुआ है। तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, नहीं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, वो जो सा आपको वहाँ लंबा सरा ये दिख रहा होगा ना, ये भी दरख्त टाइप ही कोई दरख्त है। तो ये जो सा है ये भी वही मतलब उधर ही लगा हुआ है। तो मैं आपको क्या बताने लगा, हाँ मैं बताने लगा ये हमारी जगह, हम इसको बाग क्यों कहते हैं। हाँ बाग इस वजह कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना हर वो चीज़ है जो मतलब बाग कह सकते हैं, मतलब उसके अंदर हर चीज़ है, मतलब जैसे माल्टे हर तरह का फ्रूट भी है, ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हैं, और क्या, हाँ सारी इस तरह की चीज़ें उधर, एलोवेरा इस तरह के पौधे वगैरह बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये है हम उसको बाग कहते हैं शुरू से ही। तो किस दिन उधर भी जाऊंगा जब भाई जान मार्ट 1000 होएंगे, हाँ मैंने कहा था जब मैं घर में व्लॉग शुरू करूँगा जब मार्ट 1000 होएंगे। अब भाई जान इधर रख लेना पहले 1000 करा देना फिर ही चलेंगे उधर। और तुम्हें आप लोगों को उस साइड पे दिखाई थी ना प्लेट्स जो हैं इतनी ज़्यादा, मतलब व्लॉग में बड़ी छोटी लग रही, लेकिन एक तकरीबन भला कितनी है, मतलब इस साइड से आप देख सकते हैं उधर से लेकर ना इधर तक तकरीबन कोई इधर इसको आधा काट लें इतनी कोई जगह पे है। और साथ ही हमारा छोटा कसम भी आया है, और हम जरा नीचे चलते हैं, नीचे चल के भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है मैं नीचे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगले दिन हम आए थे तब मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, तो तब भी ना इस साइड पर ना यही व्यू था। और आप लोगों से ये लाइन देख रहे हैं ना है इस तरह की, इधर बिल्कुल इसी जगह पे ना वो एक सैटेलाइट नहीं होती टाइप है उस तरह की ना, दोपहर के टाइम तकरीबन यही टाइम था, मतलब शाम किसी की बताएं दोपहर का टाइम था, साफ आसमान था, फुल ब्लू आसमान होया हुआ था, ठीक है कोई मतलब बादल वगैरह नहीं थे, सूरज निकला हुआ था। तो इधर हमने देखा इधर से ना बिल्कुल वो उस साइड पर ये बाल मिल गया जी। चलो उधर जाके और ढूंढो एक और बाल मिल गया। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि उधर जो हमने आप लोगों को बताया था ना कि
नहीं बताया नहीं था, अभी बता लूँगा। तो उधर जो है ना, एकदम मैं भूल जाता हूँ। अच्छा उधर फिर भूल, उधर जो है ना वो कि सैटेलाइट टाइप वो चीज़ कोई थी, वो थी। ये कहाँ पर है, ये क्यों कहाँ पर है? हाँ सही हो यार, पता नहीं क्यों कहाँ पड़ा था। तो उधर सैटेलाइट चीज़ कोई ऐसी मतलब बड़ी तेज़ी से ऐसा जा रही वो। असल में ना मेरे ख्याल से स्पेस एक्स कंपनी है ना, आपको पता ही होगा, उसका जो ऑनर है एलोन मस्क, तो उसने भी शायद कोई मतलब थी सैटेलाइट्स वगैरह भेजी थी, इंटरनेट फ्री हो जाए, मतलब इंटरनेट बहुत हाई स्पीड में हर पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उस तरह की कुछ मुझे लग रही थी। लेकिन वो शायद ना हो, लेकिन सैटेलाइट थी वो पूरा इस तरह घूम के ना उस साइड पे, वहाँ जा रही थी उस साइड पे, वहाँ उस साइड पे कहीं चली गई थी, फिर उधर नज़र ही नहीं आई है। और ये देखो बाल का लिफाफा हो गया, ये लो पकड़ो, ये तुम तो बाल रखो ना, मैं अब जरा नीचे चलता हूँ ना, ये बाल में बाल के रखना, बाल में इससे कभी खेल लेंगे ठीक है। अब जरा नीचे चल के उसके बाद मिलते हैं यार। जब नीचे आ गया तो आज मेरे साथ कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ये गलत ना है तो आज सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हमारी बाइक। ये देखिए इसके यहाँ ड्रोन लिखवाया हुआ है, हाँ पता नहीं कौन सा ड्रोन है, वो छोटा ड्रोन तो नहीं बिल्कुल भी ठीक है, और यहाँ भी ड्रोन लिखा हुआ है, और यहाँ बंदूक का कोई बना हुआ है, तो इधर आगे भी बना हुआ है, पता नहीं भाई जान जब शोक स्टिकर होगा पता पता नहीं किधर किधर लगा दी। हाँ ये वाली बस ठीक ही है, ये वाली AK-47 और ये रेस की ठीक है भाई, हमने हर जगह लगा दिया हुआ है। वो इसके ना पीछे हेडलाइट पे ना एक रेड कलर की ना खोपड़ी टाइप थी वो भी लगाई हुई थी, लेकिन यार वो जो थे ना हेडलाइट उड़ गई तो चेंज करानी पड़ी, तो यार वो बड़ी प्यारी लगती है, लाइट चलती थी ना तो फिर बड़ी प्यारी। तो गाइस मैं इस साइड पर आके आपको दिखाता हूँ उनका क्या हाल है भाई, जो है ट्रैप हमने मेरे मेरे कदर भाई, मैंने तो कोई मैंने मुझे पता है इसका कुछ इस तरह के हाल हो जाना। ये देखे ये आना है, और ये वाला क्या है अंदर, ये जो हमने अंदर वो डाली थी ना कनक, हाँ शायद कनक डाली थी ना, तो वो कनक उगी हुई है अंदर, इधर पूरी अंदर ये इतनी इतनी ज़्यादा उगी हुई तो देख रहे हैं अब क्या अंजाम, हम इतनी उन्होंने इतनी मेहनत की तो उनको क्या मिला, सिर्फ ये कनक के पौधे। तो अब आज वो आवाज़ गूंज रही है आज कभी नहीं, तो हाँ पहले सबसे पहले ना यहाँ पर जाके थोड़ी खाने भी लोग दिखाता हूँ भाई जान, ये पहले खोलते हैं। अच्छा जी बीच में वीडियो टाइम लाइक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जो है व्लॉग ना आपसे 8 से 7 से 8 या तो 9 बजे तक आ जाया करेगा, ना तो कभी कभार अगर नेट स्लो हो जाए तो फिर 10 बजे तक हो जाता है, 10 बजे के बाद मेरा व्लॉग नहीं आता है, ना तो आप लोग वेट कर लिएगा नहीं आधा घंटा और 10:30 तक 10:30 तक ज़्यादा से ज़्यादा होया तो होएगा, तो इतना लेट होएगा वरना नहीं होएगा, अंधेरा ही हो गया सारा। लाइक ऑन करते हैं लाइट्स ऑन, तो हाँ जी तो वीडियो कोई एक दो स्टेबलाइज ना हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बीच में भजन बड़ा टाइम लगता है, एक दो बीच में कभी कभार हो जाती है छूट जाती है, तो ये जनाब ये भी तो देखें जरा गाड़ी फुल शाइन मारी है, तो जरा ना इधर बंद करके ना फिर बाहर चल के बाहर। अच्छा गाड़ी मैं तो कहने लगा बाहर चलते हैं, मेरा देख लेना ये गाड़ी के अंदर बैठ के ना गाने थोड़ा सा सुनूँ, तो मेरे पास आज चाबी है किस्मत हर बड़ी होती है भाई जान, वो बस मैं भूल जाता हूँ। और हाँ मैंने ना उस दिन भाई ने इधर मारी थी स्लिप्स, वो उस साइड वाली है वो है, और ये मैंने मारी है ये आप देख सकते हैं भाई जान, आपका भाई भी बस ठीक है। अब ये ना नीम निशान डाल देना, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहा हूँ, तो जरा गाड़ी के अंदर बैठ के आप उस देखे ना जरा गाने सामने सुनते हैं उसके बाद। आज हमारे पास कुछ करने के लिए तो नहीं था, तो व्लॉग छोटा ही होगा, तो आज कल के एंड करता हूँ, अगर आपको आज व्लॉग पसंद आया बेटर तो मैं इतना बोलता हूँ ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब सब्सक्राइब जिसे नहीं ना किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें यार, मैं एक चीज़ दिखाऊँ यार, वो उधर जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये शायद अभी भी मुझे लगता है कि इधर से दोबारा से वो कुछ इस तरह की चीज़ रॉकेट वगैरह कोई गया है, वरना यहाँ से तो नहीं ना बन जाती इतनी लंबी लाइन बनी हुई है, ये फोकस उधर। तो अब मेरे पास रोज़ की तरह कोई अल्फाज नहीं, तो ओके अल्लाह हाफिज़।